एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, एमएस वर्ड 2019 एंड 2021 बिगनर्स टू प्रो कोर्स में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन और बेसिस का पार्ट 4। टॉपिक इज सेव वेदर सेव है, सो मूव फर्दर। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले जिन्होंने अभी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को क्लिक कर दें। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको एक बैंक डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है। ओके, बैंक डॉक्यूमेंट, आपको एक बैंक डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है सबसे पहले आपको। ठीक है, अब इसमें कुछ टाइप करना है आपको। सपोज मैंने टाइप किया हेलो, ठीक है, इसको थोड़ा मैक्सिमाइज कर देते हैं ना। उसके बाद क्या करना है आपको, अपने डॉक्यूमेंट को पहली बार क्या करना है, सेव करना है। सेव कैसे करना है, फाइल पे क्लिक करना है। ठीक है, फाइल मेनू पे क्लिक करना है, सेव पे क्लिक करना है। ठीक है, और सेव एज पे क्लिक करना है। जब आप सेव पे क्लिक करोगे आपको ऐसा एक इंटरफेस दिखेगा, क्या आएगा, सबसे टॉप पे लिखा होगा सेव एज। और जब आप सेव एज पे क्लिक करोगे तब भी आपको सेव एज का ऑप्शन दिखाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे पहले जब आप पहली बार वेरी फर्स्ट टाइम, ठीक है, जब पहली बार अपने डॉक्यूमेंट को आप सेव करते हो, तो जब आप सेव करो चाहे सेव एज करो, ठीक है, आपको सेम ऑप्शन दिखेगा, क्योंकि अभी तक आपने अपने डॉक्यूमेंट को सेव नहीं किया, उसको कोई नाम नहीं दिया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको सेव कर देते हैं डेस्कटॉप पर। ओके, सेव एज का डायलॉग बॉक्स आपको ओपन हो जाएगा यहाँ पे, सेव कर देते हैं यहाँ पे। आप फाइल का नाम चेंज कर दो। ठीक है, मैं टाइप करता हूँ हेलो डब्ल्यू और हेलो वर्ल्ड करके, मैं इसे सेव कर देता हूँ डेस्कटॉप पे। ठीक है, यहाँ पे आपको चेक कर देना है, यहाँ पे एड्रेस पे चेक करना है आपको, ये डेस्कटॉप सेलेक्ट है, सेव। ठीक है, ऐसे आपका डॉक्यूमेंट जो है सेव हो जाएगा। ठीक है, नाउ अब मैं इसको आगे और टाइप कर देता हूँ हेलो वर्ल्ड। ठीक है, अब मैंने क्या किया, अपने करेंट डॉक्यूमेंट में चेंज कर दिया। ठीक है, अगर मैं इसको क्लोज कर दूंगा तो ये जो वर्ड है, ये वर्ड जो अभी मैंने टाइप किया है वर्ड वर्ड, ठीक है, ये सेव नहीं होगा अगर मैं इसको सेव ना करूँ। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा सेव करने के लिए, मैं यहाँ से सेव कर लूँगा। इसके अलावा मैं क्या कर सकता हूँ, मैं सेव एज कर सकता हूँ, कंट्रोल प्लस एस, कंट्रोल प्लस एस शॉर्टकट की का यूज़ करके मैं सेव कर सकता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, सपोज़ इसी फाइल, इसी डॉक्यूमेंट को मुझे दूसरे नाम से, दूसरे लोकेशन पे और दूसरे फॉर्मेट से चेंज करना है। ठीक है, मुझे क्या करना है, फाइल पे क्लिक करना है, सेव एज पे जाना है। ठीक है, डेस्कटॉप पे जाना है, सेव एज का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। ठीक है, आप यहाँ से लोकेशन से करो डेस्कटॉप। ठीक है, फाइल का नाम मैं वही रख रहा हूँ, फिर मैं यहाँ पर फॉर्मेट चेंज कर रहा हूँ, सेव एज टाइप। ठीक है, अभी कैसा टाइप है, वर्ड डॉक्यूमेंट है। ठीक है, मैं यहाँ से इसको सेट कर रहा हूँ PDF। ओके, बाय, बाकी मैं किसी भी ऑप्शन को कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, चेंज नहीं कर रहा हूँ, जो डिफ़ॉल्ट है मैं उसको डिफ़ॉल्ट रहने देता हूँ। ये ढेर सारे ऑप्शन आपको दिख रहे हैं ना, जो ऑप्टिमाइज फॉर स्टैंडर्ड और ऑप्शंस पे आप क्लिक करोगे तो आपको ढेर सारे ऑप्शन, आपको किसी ऑप्शन पे कुछ भी चेंज नहीं करना है। ओके, नाउ जस्ट सेव इट। आपने सेव कर दिया, नाउ क्लोज योर डॉक्यूमेंट। ओके फ्रेंड्स, नाउ ओपन योर डॉक्यूमेंट। डेस्कटॉप पे गए, ठीक है, डेस्कटॉप पे आपका ये डॉक्यूमेंट चेंज हो गया, एक सेव हो गया। एक तो हेलो वर्ड है, ये वर्ड डॉक्यूमेंट है, और ये कौन सा, ये PDF है। अब इस पर क्लिक करोगे ऐसे PDF ओपन हो जाएगा। ठीक है, हेलो वर्ड डॉट PDF, राइट, मिनिमाइज करो। नो, हेलो वर्ड, ये आपका वर्ड डॉक्यूमेंट है और ये आपका ये PDF डॉक्यूमेंट है। तो फ्रेंड्स, ये था बेसिक सा डिफरेंस सेव और सेव एज कमांड में। तो मैं सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपको याद रखना है कि, ठीक है, व्हेन यू सेविंग माइक्रोसॉफ्ट डॉक्यूमेंट फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, ठीक है, बोथ सेव एंड सेव एज कमांड फंक्शन वर्क सिमिलरली। ओके, क्योंकि अभी तक आपने डॉक्यूमेंट को कोई नाम नहीं दिया, कोई लोकेशन नहीं सेट किया। ओके, और फ्रेंड्स, जो सेव करने का जो शॉर्टकट की होता है वो कंट्रोल एस होता है। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स थैंक यू वेरी मच। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सो फ्रेंड्स, कीप वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड कीप सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।